बेसिकली ये जो पाठशाला एजुकेशन क्लासेस है आपको यहाँ पे इमिडिएटली जब भी आप अप्लाई करोगे, फिर जब आपका अगर हो जाता है जब चाहे आप तब वहाँ इमिडिएटली, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद क्या है कि 15 मई के तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के बाद। उसके बाद क्या है कि आपको एक डेट है, अभी मैं दिखा दूंगा, उससे पहले जब भी आप अपना स्टार्ट करोगे कि अभी से मुझे काम करना है, तब से आपका 3 मंथ काउंट होगा बेसिकली, क्योंकि ये 3 मंथ की इंटर्नशिप है, 3 महीने से ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्टाइपेंड यहाँ आपको एक तरीके से कह सकते हैं सैलरी जो है 5000 पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। ऑलरेडी 282 स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, तो लेट मत करो, अभी भी अब टाइम है, आप अप्लाई करो, ठीक है। पाठशाला के बारे में अगर आपको देखना हो उनके बारे में तो आप पढ़ सकते हो। वी आर अ प्रीमियर एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, फाउंडेड एंड मैनेज्ड बाय आईआईटीएंस, डॉक्टर्स एंड एजुकेशन। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आईआईटीएन या डॉक्टर्स ये सब इनिशिएटिव लेते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। वी आर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नाउ अवेयर इन इंडिया एंड गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 to 12। बेसिकली इनका मोटो क्या है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कवर करते हैं, साथ ही साथ मेडिकल जो जेई, बिटसेट, नीट, जिपमर, एम्स, ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कराते हैं। क्लास 11 to 12 से ही ट्रेंड किया जाता है इस चीज को, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी काम करना पड़ेगा कि उस हिसाब से आपको स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि वो आगे के लिए सोच पाए, आगे का उनका जो अप्रोच टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो फिजिक्स का कुछ ऐसे जो भी चैप्टर्स आपको मिलता है पढ़ाने के लिए, तो कुछ ऐसा पढ़ाना कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो शायद आगे चल के लिए आपको शायद इसमें और भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। सपोज स्टूडेंट अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट अगर आपको हैं, मिले हैं पढ़ाने को, तो अगर आप पढ़ाते हो, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हुआ, तो शायद आपका आगे चल के इसमें आपको और भी ज़्यादा पढ़ाने का, मतलब और आगे तक पढ़ाने के लिए मौका मिल सकता है, ठीक है। तो आगे आपके लिए काफ़ी कुछ है, ठीक है, देख लेना। और इनका एम बेसिकली क्या, और प्राइमरी एम इज टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन टू एस्पायरिंग इंजीनियर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट who will give on to become successful professional since our inception. We as a team of professional and experienced teacher have always aimed to deliver high level quality coaching for students studying at school 10th standard, junior college 11th and 12th and across the year of professional courses like engineering. मतलब इनका basically जो motto यही है कि engineering student, medical student, जो scientist के लिए आगे चल के होता है, तो उसमें उनको मतलब बेसिकली इनका जो प्लान है कि ये अभी से ऐसा इनका स्टूडेंट के अंदर मतलब स्टूडेंट की थिंकिंग डेवलप कराना चाहते हैं कि ये सब एग्जाम्स वो इजिली क्रैक कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। About the work from home job internship, selected intern day-to-day responsibilities including teaching physics concept of 11th and 12th standard based on the guidelines given by the company. आपको guidelines, अगर आपका selection होने के बाद आपको guidelines मिल जाएगी, 11th and 12th को आपको पढ़ाना रहेगा। Skills required, आपको physics को ठीक है आनी चाहिए, basic mathematics में आपको भी पता है physics में mathematics included होती, teaching आपका होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं भी है तो ठीक है ना, अब एक्सपीरियंस लेने का टाइम है ना, तो एक्सपीरियंस लो ना, ठीक है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्पोकन, मतलब आपका इंग्लिश ठीक होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। ऑनलाइन टीचिंग में आपका मतलब होना चाहिए, आपको आना चाहिए, तो ये सब आप देख लोगे। फिर सेटअप वगैरह कैसे करेंगे ऑनलाइन पढ़ाना वढ़ाना, आप अप्लाई करो, कुछ होते हैं ऑनलाइन सेटअप, मैं जैसे मैं भी पढ़ा लेता हूँ, मैं मतलब मैंने भी वीडियोज मेरी भी यूट्यूब में मैंने भी काफ़ी बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया, मतलब अभी भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं देख लूँगा, ठीक है। पहले आप अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन होना बहुत मैटर करता है। हु कैन अप्लाई में आप देख सकते हो, आर ओनली दोज कैंडिडेट हु कैन अप्लाई आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब और इंटर्नशिप, ठीक है, वो तो ठीक है। कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम जॉब इंटर्नशिप बिटवीन 1 मई और 5 जून के बीच में आप कभी भी स्टार्ट करोगे, तब से आपका 3 मंथ्स काउंट होगा, ये आप देख लेना अपने टाइम के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको फिट है। 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, हैव रिलेवेंट स्किल एंड इंटरेस्ट, आपका मतलब रिलेवेंट स्किल और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट, फिर से लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको जहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। तेरा बीएससी स्टूडेंट हो, आगे चल के आपको सिर्फ जॉब करनी, कोचिंग में पढ़ाना है, टीचिंग फील्ड में, तो कहीं भी आप अप्लाई करने जाओगे, अगर इस तरीके का आपको आपके पास रिकमेंडेशन लेटर रहेगा ना, तो आपके जॉब आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इवन आप अभी सोच नहीं सकते हो इन सब बारे में, आपकी शायद बहुत स्टूडेंट को नहीं आइडिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, कोई नहीं बताता है। सो
देख लो यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बस यहाँ पे क्या नंबर ऑफ ओपनिंग सीट्स थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है। अभी एक मैं इंटर्नशिप बता रहा हूँ, इसके पहले भी बताया था, लेकिन अभी 3-4 और बाकी हैं, और भी आती रहती, वो सब भी इन्फॉर्म करूंगा। सो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आपको पता तो चला, ये सोच के, पॉजिटिव सोच के देखो, अभी भी बहुत सारी है, कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देन अप्लाई नाउ, आप अप्लाई करना, जो आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 60% आप पे या 50% आपका रिज्यूमे के बेसिस पे होगा और 50% इसके बेसिस पे है कि व्हाई शुड यू, क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस रोल। आदित्य, जिसे यहाँ मैंने अपना नाम मेंशन था, तो आदित्य प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन केयरफुली, इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग, मतलब हायर्ड होने के लिए यहाँ पे आपका चांसेस बढ़ जाएगा अगर इस क्वेश्चन का आपने सही से जवाब दिया। मेंशन इन डिटेल व्हाट रिलेवेंट स्किल और पास्ट एक्सपीरियंस यू हैव फॉर दिस इंटर्नशिप, व्हाट एक्साइट यू अबाउट दिस इंटर्नशिप, व्हाई वुड यू, अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि आपके अंदर क्वालिटी है एजुकेशन पढ़ाने की, या आपने कभी एक्सपीरियंस लिया तो उसको मेंशन करना, नहीं भी लिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप फ्रेशर हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को मेंशन करना कि इस इंटर्नशिप से आपका फायदा क्या होगा, स्टूडेंट के थ्रू आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, स्टूडेंट का किस वे में फायदा होगा, ट्राई करना कि ऐसी चीजें लिखना कि उनको लगे कि यार मतलब आपके अंदर है क्वालिटी पढ़ाने की, स्टूडेंट्स का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, तो आपके जॉब के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आर यू अवेलेबल फॉर 3 months स्टार्टिंग इमीडिएटली फॉर अ वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप, इफ नॉट व्हाट इज द टाइम पीरियड यू आर अवेलेबल एंड द अर्लीस्ट डेट, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आप 3 महीने के लिए अवेलेबल हो, इनकेस नहीं हो तो कितने मंथ्स के लिए अवेलेबल हो, वो डिटेल्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू हैव कॉपीड योर अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, प्लीज रिव्यू नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद अपना जो भी होगा यहाँ डिटेल सबमिट करना, देन सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना, ठीक है। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगा, और किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हमारा, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम में भी हम एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक और भी इंस्टाग्राम, हर जगह हम अवेलेबल हैं, तो जो भी होगा आप देख लेना, मतलब